चलित वर्ष सेप्टेम्बर 10 तारिखर पड़ुछि पवित्र गणेश चतुर्थी। ओडिशा तथा पूर्व भारत रे यहा गणेश पूजा भाबरे जेतिक आदृत, पश्चिम भारत रे यहा गणेश उत्सव भाबरे सेतिक प्रसिद्ध। बे मुंबई दिल्ली समेत विभिन्न राज्य रे यहार जोरदार भाबरे आयोजन करा जाउछि। तबे मुंबई रे पर्वर पालन नियारा ढंगरे होइथाय। एही उत्सव सेठरे 21 दिन व्यापी हेउथुवा बेले ओडिशार जटन एवं तालचेर रे 12 दिन धरि चले। ज्ञान विद्या एवं प्रगतिर भगवान हेउछन्ति श्री गणेश, विघ्नराज बा विघ्न विनाशक। देवादेवीको मध्यरे से हेउछन्ति अग्रपूज्य, एणु तांका आराधना लागि पुरपल्ली ठारु आरंभ करि सहर पर्यंत सबुठे उत्सव मुखर परिवेश थाए। विशेषकरि शिक्षानुष्ठान मानकरे छात्र छात्री माने गजाननक आराधना पाई साज सजारे लागि पड़न्ति। राजधानीर विभिन्न मंडपरे गणपति शोभा पाउथुवा बेले एथिसहित भळेकि भळे आखिदृश्य तोरण साजसजा मध्य भक्त एवं श्रद्धाळुमानंकु सर्वदा आकर्षित करिथाए। प्रथम पूजा होउछन्ति श्री गणेश। नूतन घरे प्रवेश हेउ अबा शुभ कार्य सर्वप्रथमे लोडा हुअन्ति से, कारण तांकु पूजा कले सबु किछि मंगल होइथाए। वास्तुशास्त्रे मध्य प्रभु श्री गणेशंकर स्थान हेउछि खूब गुरुत्वपूर्ण। एहाकु अनुसरण करि प्रभुंक प्रतिमार ठिक स्थापन करिपारिले घरकु सुख समृद्धि आसिथाए। जदि घरर मुख्य द्वार दक्षिण दिगकु खोलुथाए तेबे से द्वार उपरे गणेशंकर छोटिया प्रतिमा लगाइले घरर दक्षिणमुखी दोष पटिजाए। घरे प्रवेश करिबा मात्रे जदि किछि अजणा नकारात्मक भाव उत्पन्न होइथिबा मने हुए तेबे घर भितरे प्रवेश द्वारकु मुह करि अनैबा भळि 9 इंच एक गणेश प्रतिमा स्थापन करिबा भल। घरर जे कोनोसी दिगरे भगवान गणेशंकर प्रतिमा स्थापन करिबा उचित नुहेँ, बरं गणेशंक फोटो एवं प्रतिमा को एफळि रखिबा जरूरी, जेमिति कि तांको प्रणाम करिबा बेले आमर मुह पूर्व किंबा उत्तर दिगकु रहिबो, अर्थात श्री गणेशंकर मुख सर्वदा दक्षिण किंबा पश्चिमाभिमुखी रहिबा उचित। घरर मध्य भाग अर्थात ब्रह्मस्थळरे तुलसी गच्छ सहित श्री गणेशंकर पूजा कले संपूर्ण घरकु सकारात्मक ऊर्जा मिलिथाए। घरे श्री गणेशंकर बसिथिबा तथा आशीर्वाद देउथिबा प्रतिमा पूजा करिबा बेले व्यावसायिक परिसररे भगवानकर अन्य मुद्रार प्रतिमा तथा फोटो रखिबा उचित। श्री गणेशंक फोटो किंबा मूर्ति एपरि स्थानरे रखन्तु नाही जहार पछपटे किंबा आकरे शौचालय थिबा। एइफळे भाबरे श्री गजाननंकर पूजा कले समस्त प्रकार आशीर्वाद लाभ होइथाय। ब्युरो रिपोर्ट, ओएनए खबर।